बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस को जानने से पहले हमें थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानना होगा। ये जो थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, इन तीनों तरह के सॉल्यूशन के बारे में इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम पुनः एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस तभी समझ में आएगा जब हम इन तरह के, ये जो तीन तरह के सॉल्यूशन हैं, इसके बारे में जब हम जान लेंगे। तो यहाँ पे देख, तीन तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक। ये सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं। ये पहला सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम कोई प्लांट या एनिमल सेल डालते हैं, कोई सेल डाल देते हैं, तीनों तरह के सॉल्यूशन में हम सेल ही डालेंगे और फिर उस पर जो एक्टिविटी हो रही है वहां पर, उसके बेस पर हम ये जान पाएंगे कि कौन सा आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है और कौन सा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। तो क्या है कि हम एक सेल को प्लेस कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में, जिसमें, क्योंकि जो सेल के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें भी वाटर का कंसंट्रेशन होगा और सेल के अंदर भी वाटर होता है, दोनों का, दोनों में कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, जो सेल के अंदर है उसका एक चीज और थोड़ा सा आसान बनेगा, अगर इस तरह से ये सिंबल दिखाया जा रहा, तो ये पोटेंशियल को दिखाता है, साई, अगर डब्लू, साई डब्लू लिख दिया जाए, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, मतलब इन साइड ऑफ द सेल जो वाटर पोटेंशियल है वह इक्वल हो किसके, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, अगर दोनों का ही बाहर और इन साइड ऑफ द सेल दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या होगा, अगर देखा जाए तो क्या मूवमेंट ऑफ वाटर हो सकता है, ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, वो होता क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम, जब तक कि इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता है, दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक फ्लो ऑफ वाटर होता रहता है फ्रॉम हायर टू द लोअर। तो यहां पर क्या है कि चूंकि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं, इसलिए क्या होता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ द वाटर और नो मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटॉनिक वो क्लियर हुआ। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, अगर हम फिर यहां पर कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, ऐसा ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जहां पर जो वाटर पोटेंशियल हो वाटर पोटेंशियल, ये सिंबल आपको याद रखना है, ये इसको वाटर पोटेंशियल की कम लिखना पड़े इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल शेप, इन साइड द सेल जो होता है सेल शेप, वो क्या हो, अगर लेस देन हो, क्या हो, लेस देन, यानी इसका अंदर जो है वाटर पोटेंशियल कम हो और इस सॉल्यूशन जिसमें हम सेल को डिप कराए हैं, सेल को जिस सॉल्यूशन में डाले हैं, अगर क्या है कि उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है,
वहां पर क्या होगा, वहां पर वाटर मूव करेगा फ्रॉम सोल्यूशन टू द सेल, सोल्यूशन से सेल की तरफ वाटर मूवमेंट होगा। यहाँ रीजन क्या है, इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस है। यहाँ पे एक ग्रेडेंट फॉर्म हो रहा है, एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है वाटर का और दूसरी तरफ क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। इससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोल्यूशन टू इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस, अंदर की तरफ होगा, जिससे सेल क्या होगी, टर्गिड हो जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी, फुल टर्गिडिटी को अटेन करेगी। तो यहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा। तो सच ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन जिसमें हम डिप कराए हैं, अगर उससे ज्यादा है, यानी सेल के अंदर ये वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब वाटर क्या होगा, इस साइड में बाहर की तरफ आएगा और ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। यहां पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल साइड टू सोल्यूशन। इससे क्या होगी, जो सेल होगी वो फ्लैक्सिड स्टेट में आएगी, यानी कि श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी वाटर लॉस होने के कारण। थोड़ा यहाँ एक चीज और देखना है, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम डिप करा रहे हैं तो वाटर इनसाइड मूव हो रहा है, दैट इज हियर इंडो ऑस्मोसिस अकर। बट इन केस ऑफ द हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, इफ वी पुट ए सेल इन हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, देन वाटर लॉस फ्रॉम सेल टू द सोल्यूशन। इससे क्या होगी, वाटर दैट इज द सेल विल बी श्रिंक, श्रिंक कर जाएगी, और यानी कि जो वाटर है वो इनसाइड ऑफ द सेल टू द सोल्यूशन, आउटसाइड मूव हो रहा है। तो हियर इट इज कॉल्ड इंडो इग्जो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, इग्जो ऑस्मोसिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑस्मोसिस, वन इज द इंडो ऑस्मोसिस एंड अनदर इज इग्जो ऑस्मोसिस। तो ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, यहाँ पे हम एक सेल का फिगर ड्रा किए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर अभी प्लाज्मोलाइसिस आपको क्लियर हो जाएगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे पूरी तरह से इसी फिगर से ही आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाया गया स्ट्रक्चर वो है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, ये जो होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड
प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन और ये टोटल, ये पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म, इन दोनों को एक साथ अगर कहा जाए तो वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब यहां पर जैसे ये है, ये जो सेल है, इन तीनों कंडीशन में हम क्या किए हैं, एक सेल को थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन में डिप कराए हैं, उसमें डाले हैं। तो अगर हम इस सेल को क्या करें, डिप हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, अगर हम इस सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डालें जो कैसा सोल्यूशन, वो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, यहां पर मतलब इस तरह के सोल्यूशन में, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन मतलब इस सेल को जहां पर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सेट इज ग्रेटर देन द, जिस सोल्यूशन में हम डालते हैं उसके कंपैरिजन में। तो अगर हम डिप कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर मूव, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल साइड टू आउटसाइड, मतलब यहां से इस सेल से ये बाहर की तरफ वाटर मूव करेगा, मतलब सोल्यूशन में मूव कर जाएगा वाटर जिसमें हम डिप कराएंगे। इससे काज क्या होगा, इसके अंदर का जो वाटर लॉस होगा, तो जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, धीरे धीरे उसका कंटेंट कम होगा, वाटर जैसे जैसे लॉस होगा तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाएगा, दिस विल श्रिंक, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल विल श्रिंक, कब, व्हेन वी पुट इट इन हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। तो यही जो प्रोसेस होता है, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, दिस श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो यहां पर अगर हमको डिफाइन करना हो प्लाज्मोलाइसिस को, तो क्या होगा इस तरह से, व्हेन बी पुट ए सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, कहां पे पुट करेंगे, इन ए हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, अगर हम एक प्लांट सेल को या एनिमल सेल को एक हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन द वाटर पोटेंशियल बिटवीन द सेल शेप एंड द सोल्यूशन, वाटर लॉस अकर फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड दैट इज द सोल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, वाटर लॉसेस फ्रॉम सेल टू द एक्सटर्नल सोल्यूशन आपको पता है, जब वाटर लॉस होता है तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक, काजेस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड
इट्स कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। अब अगर आपको प्लाज्मोलाइसिस डिफाइन करने को आ जाए तो क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिगर और ड्रा कर दे रहा हूं। ये तो होगा क्या, किस तरह से स्ट्रक्चर श्रिंकेज होगा? इसका जो अंदर का कंटेंट है वो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस होने पर ये अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा। ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? श्रिंक कर गया। तो यहां पर ये फिगर जो दिखा रहा है इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले तो क्या हुआ? वाटर लॉस हुआ और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया, और इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब अगर एक यहाँ पे देखिए, ये एक सेल है और ये जो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब इसका वाटर लॉस हो गया है। अब अगर इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर इसको पुट करें, पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट मींस इसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो, मतलब जिस सॉल्यूशन में हम डालेंगे उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसके अंदर का वाटर पोटेंशियल कम होगा। एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम क्या करें, डिप कराएं इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा? वाटर इनसाइड मूव करना शुरू करेगा सॉल्यूशन से, कहा इनसाइड ऑफ द सेल, और फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट को पा लेगा, मतलब कि वो टर्गिडिटी को अटेन कर लेगा, उसका प्रोटोप्लाज्म एक्सपैंड कर जाएगा। तब उस सेल को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। और यहां पर ये जो प्रोसेस है ये क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद है कि पूरी तरह से इन इन जो टॉपिक आपको बताया गया, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक ये हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, उसको शेयर करते रहिए।